आज का हमारा जो सेशन रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज अपन जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, राइट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। फर्स्ट हम देखेंगे कि सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है क्या होता है बेटा, ब्रेस्ट। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन की बात करेंगे तो क्या होता है, ब्रेस्ट। ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन इन केस ऑफ फीमेल जब प्यूबर्टी एज होती है, प्यूबर्टी का मतलब होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलप होना, दैट कॉल प्यूबर्टी। इसमें हम लोग याद रखेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या होता है, ब्रेस्ट। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन की बात करेंगे तो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन। देन इंटरनल जेनिटल ऑर्गन की बात करेंगे तो वेजाइना हो जाएगा, यूट्रस हो जाएगा, ओवरीज हो जाएगी और फैलोपियन ट्यूब। आगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के केस में स्ट्रक्चर में देखेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है वजाइना, सर्विक्स और आपका ये दिया हुआ है यहाँ पे क्या बेटा, ये सर्विक्स दिया हुआ है, राइट। आगे देखेंगे यूट्रस दिया हुआ है, ओवरी दी हुई है, फेलोपियन ट्यूब दिया हुआ है, इंडोमेट्रियम। यदि हम ओवरी की बात करें तो ओवरी हमारी जो ओवरी होती है क्या रिलीज करती है, ओबा रिलीज करती है। ओवरी की बात करेंगे तो क्या करेगी, ओबा रिलीज करती है, राइट। क्या करती है ओवरी, ओबा रिलीज करेगी प्लस हार्मोन, ओबा प्लस हार्मोन रिलीज करती है, राइट। अब यदि अपन हम बात करें कि जो ओबरी होती है बेटा, ओबरी क्या करती है, ओबा और हार्मोन रिलीज करती है। तो हार्मोन कौन सा रिलीज करेगी, दो हार्मोन के नाम याद रखेंगे आप लोग, ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन होता है, ओस्ट्रोजन देन प्रोजेस्टेरोन। ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करती है और हमारा जो ओस्ट्रोजन होता है हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो ग्रेफियन फॉलिकल होती है उसको मैच्योर कर सकता है, और जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो क्या करता है, प्रेगनेंसी मेंटेन कर सकता है। क्या कर सकता है, प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो एक यहाँ पे मेन टॉपिक हमारा ये रहेगा, जैसे मान लीजिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है तो क्या होगा, स्पर्म का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो जो स्पर्म होगा वजाइना के रास्ते जाएगा, और जो हमारा स्पर्म यहाँ से वजाइना के रास्ते गया तो हम इस बात को मानेंगे कि मान लीजिए वजाइना के रास्ते गया सर्विक्स से होते हुए, यदि राइट साइड की ओवरी में जाएगा और लेफ्ट साइड की ओवरी में जाएगा तो हमारी ओवरी एक टाइम में एक ही ओवरी काम करती है, एक ओवरी जो होती है हमारी एक टाइम काम करती है, फिर एक ओवरी अगले मंथ काम करती है। तो मान लीजिए कि एक मान लीजिए अब जनवरी का मंथ था, ठीक है, और जनवरी के मंथ में राइट ही वाली ओवरी काम कर रही थी और लेफ्ट वाली ओवरी काम नहीं कर रही थी, तो जो ओवा लेफ्ट साइड जाएंगे तो वैसे ही बेकार हो जाएंगे, और जो राइट साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे ओवा, वो क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज होंगे, और फर्टिलाइज हो जाने के बाद कहाँ फर्टिलाइज होंगे, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज हो जाएंगे, और फर्टिलाइज होने के बाद कुछ समय तक यहाँ पे रहेंगे, और जैसे ही जनवरी के बाद कुछ टाइम के बाद वन मंथ के बाद मार्च आ गया तो हमारे जो ओवा थे वो क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे मैच्योर होने लगेंगे, और जैसे जैसे ओवा मैच्योर होंगे तो मैच्योर हो जाने के बाद कहाँ पे आ जाएंगे, यूट्रस पे आ जाएंगे, और यूट्रस क्या करने लगता है, प्रेगनेंसी, जो ओवा फर्टिलाइज हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाने के बाद कहाँ पे आ जाएंगे, यूट्रस पे आ जाएंगे, और यूट्रस में क्या होने लगता है, बेबी जो होता है पूरी तरह से डेवलप होने लगता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद कर सकते हैं कि जो हमारी ओवरी होती है वन टाइम में वन ओवर रिलीज करती है, तो वन मंथ में जब एक ओवर रिलीज करेगी तो वन ईयर में कितने ओवर रिलीज करेगी, 12 ईयर। तो अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ में कितने ओवर रिलीज करेगी, हम लोग कह सकते हैं 500 अप्रोक्स ओवर रिलीज कर सकती है। तो आज के सेशन में हमारा ये रहेगा मेन टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट सेशन हमारा होगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।